Hi everyone, welcome to my channel. My name is Smrin and today I am here क्योंकि मैं आप सबके साथ आज एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ. एक ऐसा चीज़ जो मेरे साथ हुआ है यहाँ यूट्यूब के प्लेटफॉर्म में एंड उसी का जो है पूरा कहानी मैं आप सबके साथ आज शेयर करने वाली हूँ. यू कैन ऑल्सो कॉल दिस एज माई चैनल स्टोरी और माई चैनल ट्रेलर, वॉट एवर यू गाइज वॉन्ट. जो कोई भी मुझे अभी आज इस वीडियो में देख रहा है, अगर मेरा फेस थोड़ा सा भी नोन लग रहा है आपको, वो इसलिए है क्योंकि दिस चैनल मृन ये तो बहुत ही नया है, लेकिन इसके पहले आई यूज टू हैव प्रॉपर यूट्यूब चैनल नोन एज मिस्टिकली मृन एंड वो चैनल कुछ दिन पहले जो है हैक हो गया. आई हैड दिस चैनल नोन एज मिस्टिकली मृन एंड जब मेरा चैनल हैक हुआ तब मेरे पास थे 2858 सब्सक्राइबर्स एग्जैक्टली. और मेरा चैनल जो है मोनिटाइज चैनल था, 2 साल से चल रहा था एंड जून के फर्स्ट वीक में जो है मेरा चैनल हैक हो गया एंड आई नो मोर हैव एक्सेस टू दैट चैनल. इनफैक्ट दैट चैनल डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर. ओनली आप यूट्यूब में जाके मिस्टिकली मृन सर्च करोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि वो चैनल पूरी तरीके से जा चुका है. तो अब मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कि कैसे मेरे चैनल को हैक किया गया. एंड इफ यू आर अ कॉन्टेंट क्रिएटर, अगर आप एक यूट्यूबर हो और आप मुझे आज देख रहे हो तो आप इस वीडियो से सीख ले सकते हो एंड अपने आप को या अपने चैनल को हैक होने से बचा सकते हो. तो एवरी मंथ ऑन लाइक द 5th or 6th ऑफ द मंथ हम लोगों को, यूट्यूबर्स तो ये जानते होंगे कि यूट्यूबर्स को एक मेल आता है फ्रॉम यूट्यूब विच इज़ लाइक द रिपोर्ट कार्ड, जहाँ पे पिछले महीने आपके चैनल ने कैसा परफॉर्म किया उसका पूरा रिपोर्ट रहता है. कितने सब्सक्राइबर्स गेन हुए, कितने लाइक्स कॉमेंट्स शेयर हुआ, कितना वॉच टाइम इंक्रीज हुआ, जो भी एक्टिविटी है आपके चैनल में जो लास्ट महीने में हुआ है वो नेक्स्ट महीने के 5th or 6th को जो है यूट्यूब क्रिएटर को मेल भेजता है. सो अराउंड 5th or 6th मेरे पास यूट्यूब की तरफ से एक मेल आया जिसमें लिखा था दैट यूट्यूब के पास ऐसे कंप्लेंट्स आए हैं मेरे चैनल के खिलाफ कि मेरे चैनल में बहुत सारे स्पैम वीडियोस हो रहे हैं एंड इसीलिए यूट्यूब को मेरे चैनल का एक्सेस चाहिए ताकि वो मेरे चैनल को चेक कर पाए एंड अदरवाइज जो है मेरा चैनल टर्मिनेट हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा. तो जो मेल था मैं यहाँ दिखा दूंगी आप सबको. मैं इतना डर गई थी इस मेल से कि I did give YouTube the access. So they wanted the channel name, the channel URL, the genre of the channel, yani ki channel kis cheez ke upar hai, and the access, yani ki password jo aapka login hota hai Gmail ka wo. एंड मैंने जो है सब कुछ दे दिया उन लोगों को मेल करके फटाफट, क्योंकि मैं बहुत डरी हुई थी. मुझे लग रहा था कि ओ शिट क्या हो गया मेरे चैनल में, कौन ऐसे कंप्लेन किया है, जबकि मेरा तो सब जेन्युइन कंटेंट है. मैं स्पैम वीडियोस या कॉपी करके किसी का कंटेंट मैं नहीं डालती हूँ, फिर भी ऐसा हो रहा है. सो आई जस्ट वॉन्टेड कि ठीक है यूट्यूब चेक कर लेगा तो उन लोगों को समझ में आ जाएगा कि वो ये जो बोल रहे हैं वो ट्रू नहीं है. सो आई गेव देम ऑल द थिंग्स एंड I got a mail, हम लोगों ने आपका चैनल चेक कर लिया है, 24 घंटे के अंदर आपको जो है रिपोर्ट मिल जाएगा थ्रू मेल कि आपका चैनल का क्या स्टेटस है, यू कैन चेंज योर पासवर्ड. तो मैंने अपना पासवर्ड फटाफट चेंज कर लिया. अब 24 घंटे बाद मेरे पास एक और मेल आता है सेइंग दैट यू नो लॉन्गर हैव एक्सेस टू योर चैनल, मीनिंग कि आप अपना चैनल का एक्सेस आपके पास अभी नहीं है. मैं बहुत बहुत डर गई थी, मैं बहुत ही अपसेट हो गई थी. मुझे लग रहा था कि YouTube ने मेरे चैनल को सस्पेंड कर दिया. मैंने बहुत 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 मेल किया कि इतने सारे फेक कंटेंट क्रिएटर्स एक्चुअल में है YouTube में, अगर आप जाओ अगर आप चेक करो, जो कॉपीड कंटेंट दिखाते हैं, जो एक्चुअल में स्पैम वल्गर चाइल्ड अब्यूज एंड ऑल दोज बैड स्टफ उसके ऊपर वीडियो बना के डालते हैं एंड दे आर रनिंग फाइन. एंड मेरा चैनल जहाँ पे मैं एवरी डे रोज न्यू कॉन्टेंट, जेन्युइन कॉन्टेंट अपने मेहनत से अपने हार्डवर्क से मैं 2 साल से दे रही हूँ, वो चैनल कैसे स्पैम हो सकता है. आई वॉज मेलिंग देम, आई डिड नॉट गेट एनी आंसर्स एंड आई वॉज रियली अपसेट. मैं बहुत रोई बहुत रोई. मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, मेरा चैनल जा चुका है. सो नेक्स्ट डे जब मैं ऑफिस गई एंड आई शोड द
दिस थिंग टू सम ऑफ माई कोलीग्स. एक कोलीग ने मुझे बोला कि ऐसा तो नहीं है यूट्यूब तो कभी आपसे आपका एक्सेस नहीं मांगेगा, डिड यू चेक कि ये यूट्यूब से ही आया है कि नहीं. सो आई शोड देम द मेल एंड द मेल जो जनरल यूट्यूब से जो जैसा मेल आता है बिल्कुल ही वैसे सेम टू सेम दिखने वाला मेल आया था. तो मैंने उन लोगों को दिखाया. वन ऑफ माई फ्रेंड वॉट ही डिड इज ही देन ओपन द मेल सेक्शन एंड उसने वहां पे जाके चेक किया कि मेल कहाँ से आया है. तब मुझे दिखाई दिया कि वो मेल एक्चुअली आया था spam.ru.mail.com ऐसे करके किसी जीमेल आईडी से आया था. जब हम लोगों ने उस मेल आईडी को ट्रैक किया तो हम लोगों को पता चला कि ये एक रशियन इंटरनेट कंपनी है जिसका काम ही है फेक जीमेल आईडीज क्रिएट करना. And then I understood that my channel actually got hacked. It did not get terminated or suspended by YouTube. मेरा channel proper तरीके से जो है hack हो चुका है. And उसके बाद जो है मैं YouTube community में गई and वहाँ पे मैंने अपना जो है पूरा details वहाँ पे मैं लिखी. And तब मैं जाके देखी कि उसी same time span में around 200 to 300 YouTubers they have commented कि same exact मेरे साथ जो हुआ same तरीके से उन लोग का channel भी गायब हुआ है, hack हुआ है. And they all lodged a complaint in YouTube कि please help us, please let us get back our channel. And मैंने भी वही same चीज़ उन लोगों को mail किया explain करते हुए. एंड जब मैं YouTube के गाइडलाइंस एंड सिक्योरिटी प्राइवेसी सब कुछ पढ़ रही थी तब मुझे एक जगह पे जाके दिखा कि वहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि YouTube कभी भी कोई भी काम के लिए आपके चैनल का एक्सेस आपसे नहीं मांगेगा, आपके चैनल के डिटेल्स पासवर्ड नहीं मांगेगा. कुछ भी YouTube को अगर करना है तो वो खुद अपने बैकएंड से वो कर सकते हैं, आपसे नहीं मांगा जाएगा. इफ अगर आपसे मांगा गया है इसका मतलब है कि वो फ्रॉड है. बट इट वॉज वेरी लेट टू रियलाइज. जब तक मैं रियलाइज की तब तक चैनल जा चुका था एंड मैं बहुत अपसेट थी. मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि मैं क्या करूँ. मैं बहुत अपसेट थी, मेरा चैनल जा चुका था. एंड चैनल में जो है नाम बदल दिया गया था, मिस्टिकली मिन से वो बन चुका था सेंटीना फीस्ट. एंड मेरा चैनल आर्ट हटा दिया गया था, जितने भी मेरे पुराने वीडियोस थे सबका कमेंट सेक्शन डिसेबल कर दिया गया था. एंड न्यू वीडियोस अजीब और गरीब न्यू वीडियोस अपलोड हो रहे थे जहाँ पे कमेंट सेक्शन खुला हुआ था. कुछ सब्सक्राइबर्स आई थिंक जो मेरे थे उन लोगों ने कमेंट भी किया कि दी ये क्या हो रहा है, आप क्या अपलोड कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. मैं खुद जाके फिर रिपोर्ट की उस चैनल को. मैंने बार बार यूट्यूब को रिपोर्ट किया कि दिस इज अ फेक चैनल नाउ, इट्स डूइंग रियली सस्पिशियस एक्टिविटीज. आई रिपोर्टेड, माई फ्रेंड्स रिपोर्टेड, माई कलीग्स रिपोर्टेड एंड फाइनली जाके द चैनल इज डाउन, इट्स नो मोर. सो दिस इज माई एक्सपीरियंस वॉट हैपेंड विथ मी. एंड उसके बाद से फ्रेंकली स्पीकिंग आई वॉज नॉट इन द मेंटल स्टेट कि मैं फिर से एक चैनल स्टार्ट करूँ, क्योंकि ऑब्वियसली एक चैनल को स्टैंड करवाने में बहुत मेहनत, बहुत हार्डवर्क लगता है. इफ एनी कॉन्टेंट क्रिएटर, इफ एनी यूट्यूबर इज वॉचिंग मी राइट नाउ, यू गाइस नो कि एक वीडियो के पीछे, एक 5 या 6 मिनट के वीडियो के पीछे कितना हार्डवर्क जाता है, कितने घंटे जाते हैं आपकी, कितनी सारी मेहनत होती है उसके पीछे. एंड जो मेरा चैनल था मिस्टिकली मेन, उसका जो स्ट्रगलिंग पीरियड था वो फाइनली खत्म हो चुका था. मैं अपने चैनल को एक पोजिशन में जाके स्टैंड करवा चुकी थी जहाँ पे मेरे सब्सक्राइबर्स का ओके टाइप ऑफ ग्रोथ हो रहा था, चैनल मोनेटाइज हो चुका था, व्यूज अच्छे आ रहे थे, एवरीथिंग वॉज गोइंग गुड इन दैट चैनल. वो चैनल एक अच्छा पोजिशन ले चुका था, स्ट्रगलिंग पीरियड खत्म हो चुका था. एंड जस्ट एट दैट मोमेंट चैनल हैक हो गया. ऑफकोर्स इसमें मेरी गलती है, मुझे पैनिक नहीं करना चाहिए था, मुझे चेक करना चाहिए था. दिमाग में वो चीज़ मेरे स्ट्राइक नहीं किया कि क्यों यूट्यूब तुमसे पासवर्ड मांग रहा है, यूज योर ब्रेन्स. बट आई वॉज सो पैनिक्ड एट दैट मोमेंट, आई वॉज सो स्केर्ड बाय दैट वन लाइन दैट अदरवाइज योर चैनल विल बी सस्पेंडेड कि मैं सब कुछ भूल के उन लोगों को अपना एक्सेस दे दी. एंड लेटर ऑन मैंने रियलाइज किया एंड इट वॉज ऑलरेडी वेरी लेट. तो दिस इज माई स्टोरी, दिस इज वेरी रियल एंड इट कैन हैपन टू एनी वन ऑफ यू, किसी के साथ भी ये हो सकता है. तो प्लीज़ बी अवेयर. मैं नया चैनल सच में नहीं स्टार्ट करना चाहती थी, मेरे पास और वो हिम्मत नहीं था. बट माई मॉम, माई
फ्रेंड्स, माई वेरी क्लोज पीपल जो मुझसे बहुत क्लोज है, उन्होंने मुझे बहुत पुश किया, उन्होंने मुझे बहुत समझाया कि इट्स ओके, यू नो, यू कैन अगेन स्टार्ट एंड डोंट लूज, तुम हार मत जाओ, तुम इस चीज़ को एज अ सीख, टेक इट एज अ लेसन एंड मूव फॉरवर्ड, स्टार्ट अगेन. सो हियर आई एम विथ माई न्यू चैनल एंड दिस टाइम मैंने चैनल का नाम सिर्फ मृन रखा है, मिस्टिकली को हटा दिया है, बस मृन रखा है. सो मैं आप सबको दो चीज़ कहना चाहूँगी. सबसे पहले, इफ़ यू आर अ यूट्यूबर, प्लीज़ 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 बी अवेयर ऑफ सच स्कैम एंड फ्रॉड एंड ऑल दोज हिडियस मेल्स. आपको पूरा यूट्यूब का जो है वो लोग प्लेटफॉर्म कॉपी करते हैं एंड पता ही नहीं चलता है कि ये फेक मेल है, ये यूट्यूब से मेल नहीं है. सो प्लीज़ बी अवेयर, जब भी आपको मेल आए कुछ जहाँ पे ऐसा कुछ है कि आपसे एक्सेस मांग रहा है या कुछ भी, बी वेरी अवेयर, ट्रिपल चेक करो उस चीज़ को एंड उसके बाद ही आगे बढ़ो. जो मेरे साथ हुआ है, मैं नहीं चाहती हूँ कि यहाँ जो यूट्यूब में मेरे कोलीग्स हैं उन लोग के साथ हो. एंड सेकेंड बात ये है फ्रेंड्स कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. ये चैनल जो मैं फिर से बनाई, इसमें बहुत होप डाल के, बहुत ही हिम्मत जुटा के मैं फिर से ये चैनल बनाई हूँ. आई नीड योर सपोर्ट. ये जो चैनल है, ये इसको सपोर्ट की ज़रूरत है, आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है. तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. मैं हर वीक नए वीडियोज़ अपलोड करूँगी जैसे कि मैं करती थी, एंड आपको न्यू कंटेंट, न्यू जेन्युइन कंटेंट देखने को मिलेगा मेरे चैनल में. ब्यूटी, लाइफस्टाइल, रिव्यूज़, हॉल्स, सब फैशन, स्किन केयर, सब कुछ के ऊपर वीडियो होता है. सो आप सबको ज़रूर पसंद आएगा, आई एम श्योर. तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, फॉलो मी इन ऑल माई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. सारी डिटेल्स जो है ना आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल ताकि ज़्यादा लोगों को आप अवेयर कर सको एज अ यूट्यूबर और एज अ व्यूअर. एंड या दैट्स इट. आई विल बी सीइंग यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड बाय.